उत्तराखंड की हल्द्वानी में अवैध मदरसा और मस्जिद गिराने को लेकर हुई हिंसे में 2 लोगों की मौत और 250 लोग घायल। ये झड़प तब हुई जब सरकारी अधिकारियों ने अतिक्रमित भूमि को खाली करने के लिए अदालत की आदेश को लागू किया। विध्वंस की कारण प्रतिरोध हुआ। निवासियों ने अधिकारियों पर हमला किया जिसकी वजह से चोटें आई और संपत्ति की क्षति हुई। शहर में कर्फ्यू है, देखते ही गोली मारने के आदेश और इंटरनेट सेवाएं बंद है। मुख्यमंत्री धामी ने असामाजिक तत्वों के साथ संघर्ष पर जोर देते हुए व्यवस्था बहाल करने के लिए एक टीम भेजे। स्थिति तनावपूर्ण है, शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए है। द्वारा अनप्रोवोक्ड अनहार्म्ड अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करेंगे चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर।